है, बड़ों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार। और मैं किचन में हूँ, चाय बना रही हूँ। टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं और मेरी बन रही है चाय। ये उबल गई है, निकल गई। ये मेरी चाय शहरी की वजह से निकल गई, शहरी आ गई मेरे पीछे से। और चलो गैस मैंने बंदी कर दिया मैंने गैस, ये छिल गया। और शहरी के देखो ये होठ फट गए हैं और इसने ये लगा रखी है अपने होठों पे क्रीम, बोरो प्लस लगा रखी है इतनी सारी। यहाँ पे इसके सारे इसके होठों में यहाँ से सारा फट गया है, नखून लग गया। अच्छा बोरो प्लस लगा लो, उससे सही हो जाएगा। और ठंड इतनी हो रही है, मैंने ये मोटा वाला शॉल ओढ़ रखा है, इसमें बड़ी गर्माहट लगती है इस शॉल में। अब आज मैंने ब्लॉग भी अपना देर से शुरू किया है क्योंकि काम में लगी हुई थी। और आज मैंने कपड़े वपड़े ज़्यादा धोए हैं, और कल भी धोए थे कपड़े तो मैंने, लेकिन आज मैंने पर्दे वर्दे धोए हैं। एक पर्दा हमारा अलग लगा है तो और पर्दे गंदे हो रहे थे, मैंने वो भी धोए हैं। हाँ अदरक वदरक मैंने सब डाल दिए चाय में। शहरी को अदरक की चाय अच्छी लगती है ना शहरी? तो चलिए हमारी चाय बन गई है, मम्मी को भी चाय दे देते हैं। और आज हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी थी, आज मम्मी ने स्टॉल लिए थे और मैंने भी स्टॉल लिए थे। अभी आपको दिखाऊंगी वो स्टॉल मेरे कहाँ है। अभी मम्मी ज्यादा लिए, दो लिए, एक शहरी के लिए लिया है मैंने, एक अपने लिए लिया है। कौन सा कलर? शहरी के लिए तो लेना जरूरी था, नहीं तो ये मेरे से लड़ाई करती मम्मी, आपने मेरे लिए नहीं लिया। वहाँ बताओ ना वो किस कलर का लिया है। मैंने दो कलर लिए हैं, एक पिंक कलर लिया है, एक ब्लू कलर लिया है। कितनी सारी बोरो प्लस लगा रखी है पे। तो चाय दे के आती हूँ, तो चलिए मम्मी को दे देते हैं चाय। ये भी मम्मी की चाय, शहरी भी मम्मी के कमरे में ही है, मम्मी के स्टॉल देख रही है और फिर कहेगी मुझे भी चाहिए एक, ले लो चाय। भाई इस कप में तो चला तो लिया तू, मेरे को मत दिया कर, इसमें बिखरती है ना, होठों से लगाऊंगी ना तभी बिखरती है। मम्मी और पिंक कलर का है क्या? पिंक कलर अभी धोया नहीं है। स्टॉल दिखा दे मम्मी के, ये रे स्टॉल। और दो सोफे पे रखे हुए, दो सोफे पे रखे, ये मम्मी ने आज शॉपिंग करी है घर बैठे शॉपिंग। और क्या करे, सुबह कह रहे थे ना घर बैठे करती मैं रजाई में बैठी बैठी। यू कह रही ना वहाँ गई तुम बुद्ध बाजार से लाई हो। अच्छा। मैं तो घर बैठे बैठे करते रहे घर कमरे में बैठी बैठी। अब ये शायरी दिखाएगी स्टॉल, एक ये ब्लैक कलर का है, ये ब्लैक है। मैंने कहा हम तो घर बैठे बैठे करते रहे रजाई में, मैंने अपने लिए कानों के लिए आई हूँ। सनील के है ना ये? हाँ ये ब्लैक कलर का स्टॉल है, एक ये वाला है, दिखाओ मम्मी सही से। ये वाला सॉफ्ट है, ये रहा मम्मी ओढ़ के दिखाएगी, गरम भी लग रहा है ना ये वाला ज्यादा गरम है, ये वाला वो एक ही कपड़ा सा ज्यादा सही नहीं लग रहा। अच्छे लगे, शाइनिंग भी है ना, शाइनिंग भी है, बस धोने पे पता चलेंगे कैसे वो तो है, कैसे निकलते हैं। मम्मी भी ये वाला ले लेंगे। हां और ये वाला मेरे को चाहिए, एक ब्लू कलर का ये, मेरे को ये वाला चाहिए। अच्छा ठीक है, ये शायरी ने मैंने बोला था ना, शायरी भी कहेगी कि मुझे एक चाहिए, ये ले लिया शायरी ने, पसंद कर लिया। आप लो ये वाला, एक ये वाला, आप ये वाला और ये वाला, ये मम्मी के हैं, दो मम्मी के हैं। एक और देखने आएगा ना भी मम्मी, आपके बाल में ले वो वाला कलर लेना, ज्यादा महंगे भी तो नहीं है, सस्ते ही है। सौ रुपए के तो सस्ते ही है। चल अब चाय पीते हैं, शहरी को भी चाय देते हैं, धुलने पे पता चलेगा ना धुलने पे कैसे। ठीक है लग रहा है, आ रही है लेकिन खराब निकल जाए। इसका कलर भी अच्छा है ना, सुंदर लग रहा है इसका कलर। मैं तो ये वाला ले रही हूँ, शहरी ने तो पहले ही पसंद कर लिया ये वाला, ये जस्ट सॉफ्ट है, हाथ लगाओ इसको। हाँ देख लिया मैंने, ये ऐसा ही है जैसे मम्मी का ब्लैक है ना ऐसा, ये और ये एक जैसे हैं दोनों। अच्छा। ये वाले और उसका कपड़ा अलग लग रहा है, उस वाले का भी अलग लग रहा है। अच्छा हाँ रुकना मैं अपने देखूं ओढ़ के, ये ओढ़ के दिखाएगी उल्टा ओढ़ लिए, सीधा है ए उल्टा है, नहीं है
सीधा है ये वाला, अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा? हाँ मुझे पता है तेरे को यही पसंद आएगा। हाँ ये अच्छा कलर अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा डार्क कलर है ना इसे। अच्छा तो ब्लैक भी लग रहा थे तुमने वाला, ये तो देखती अच्छा लग रहा है। मम्मी अब आएगा ना, ये भी अच्छा लग, मैं कहना नहीं कलर अच्छा लग रहा है। हाँ मम्मी आएगा ना तो मेरे लिए एक सुंदर सा डार्क की कलर ले। ले तो लिया, एक तेरा एक मेरा, दो तो ले लिए। अब मैं उतार लाती हूँ छत पे से कपड़े, अंधेरा हो गया है, थोड़ा लेट हो गई मैं छत पे जाने में क्योंकि मैं थोड़ी देर लेट गई थी, जीने में भी अंधेरा हो रहा है तो चलिए अभी चलती हूँ छत पे। जीने की लाइट खराब हो रखी है बीच वाले जीने की, चलो यहाँ पे तो लाइट रहेगी। क्या कर रहे हो बच्चों? काकू कुछ नहीं, छत पे आई हूँ कपड़े उतारने, देख रही थी क्या कर रहे हो। तो चलिए आ जाते हैं छत पे। लो जी आ गए हम छत पे, अंधेरा हो गया है, कपड़े पड़े हैं मेरे, कपड़े उतार लेती हूँ। धुंध धुंध हो रही है अब, कपड़े भी सूखे हुए ठंडे ठंडे हो गए हैं। ये पर्दे भी धो दिए थे मैंने, हमने एक पर्दा अलग लगा दिया है, उसकी मैचिंग थोड़ी बन नहीं रही है, ये गंदे हो रहे थे पर्दे उस दिन छुट्टी वाले दिन, इसके पापा ने ये लगा दिए थे पर्दे। एक पर्दा रह गया था मैचिंग का, वो भी मैंने धो दिया है, अब जिस दिन छुट्टी होगी उसी दिन लगा देंगे। देखिए क्या धुंध हो रही है, सब अपने अपने घरों में दुबके हुए, धुंध हो रही है। देखिए सारे में क्या धुंध हो रही है। अब उतार लिए मैंने सारे कपड़े, ले लिए मैंने अपने हाथ में, यहाँ मौसम एकदम धुंध वाला हो रहा है, सारे में धुंध हो रखी है। चलिए चलते हैं नीचे, बच्चों को मैं छत पे लेके नहीं आई, शहरी को आने की कह रही थी, लेके नहीं आई मैं ठंड की वजह से। शहरी कह रही थी मम्मी मैं उतरवा देती हूँ कपड़े, मैंने नीचे ही रहूँ, मैं उतर लिया। चलिए मैं चलती हूँ नीचे, आ गए हैं ऑफिस से और ये रही इनकी चाय, और ये बैठ गए आके ले चाय। पापा चलो ना, चलो चलो आपने कहा था आपने, शहरी की फरमाइश शुरू हो गई है। खड़ी हो जाए, ठंड लग जाएगी, खड़ी हो। और ये गुड्डू रजाई में लेटा हुआ है, इसको ठंड लग रही है, अभी पार्क में से आए है, इसको लग रही है ठंड। गाइस शहरी और मैं खेल रहे छुपन छुपाई, और इसकी डाइंग है, जाए डाइंग दे चक्री यू चल। अरे डाइंग दे ना, कल की डाइंग है, जा ऊपर जा। मम्मी के बाथरूम में मैं अब छुप रहा हूँ, आने वाली है।
आ गया मैसेज आ गया यार फोन पे। तेरे पैरों की आवाज आ रही है। ये भी खा ले। हाँ नींबू का छिलका खा लूँ मैं। चलिए चलो पकड़। क्या ये? कीवी है। कीवी ले। खा लूँगी मैं तो। ले ले मैं। अंकल का छिल इतना क्यों उतार रहे थे? बहुत आराम से उतरता है तो। तुझे हाथ धोने पड़ेंगे मैं धोखा ही हुई हाथ। ये खट्टा मीठा होता है ना। हाँ नहीं अपना छिल देती तेरे को। मेरे को तेरे को छील के दे देती मैं तेरे को छील के दे देती। मैं तेरे को छील देती। मैं तेरे को गुड्डी तेरे को छील देगी। नहीं 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 ना। ये लो ऐसे छील दो। मैं दो का ही ना व्यास। ये रे ये बच्चे खा रहे कीवी। मम्मी ने इनको कीवी दी है। का खा ले ये खा लो ना खा लो इसे बस में कर देना। मम्मी ने लगा रखे पुराने गाने। वो गाने सुन रही पुराने ओल्ड सॉन्ग। क्या करें दिल ढूंढने वाले तो दिल ही ढूंढ रहा है। और वो कब आएगी शहरी? किट्टू से बात नहीं हुई। किट्टू कब आएगी? फोन करके पूछियो कब आएगी। मैं अकेली बोर थी सोचा टाइम पास। क्या टाइम पास? किट्टू किट्टू का टाइम पास। पूछ ले किट्टू को फोन कर ले। पूछ ले कब आएगी। कह रही थी वो आएगी। ये बीज क्या है? बीज यही तो होते हैं। यही तो बढ़िया लगते हैं। खट्टे मीठे जो खट्टा खट्टा जो लगते हैं यही तो होते हैं। रसभरी का तो स्वाद लगता है ना। हां जैसे रसभरी खाते हैं ना। और मेरे बुखार हुआ था ना मैंने तो मंगवाई। हम्म इतना जी साफ रहा वो। एक तो कल मैं पूरा खा गई थी। अब दूसरा को छीला था ये मैंने। खा रहा है खा रहा है। एक खा लिया था उससे पहले मैंने दूसरा को। शायरी कर रही है अब अपनी बुआ को वीडियो कॉल। हलिया इसे हाथ ना कट जा फिर दूसरी में डाल सकते हो। नहीं उठा रहे। रिंगिंग तो हो रही है। अब आ गया शहरी की बुआ का फोन। मुझे बुआ ब्लॉग में ले रही हूँ। हेलो क्या क्या हाल चाल? नमस्ते। क्या कर रही है किट्टू? मम्मी क्या लाया था कल? कर बात अब उतर। बुआ से करनी है मेरे को। अच्छा क्यों भूतनी सी बन रही है? बाल सही कर अपने। डर लग रहा है। बुआ मेरे को दिख रहा है तेरे लंबे बाल हो रहे हैं। बुआ
लंबे बाल दिखा रही है अपने लंबे बाल। बुआ आप कब आओगे? अगले साल आएगी बुआ। हाँ वीडियो रो। शहरी गुड्डू कर रहे हैं अपनी बुआ से बात, और इतने मैं डाल लेती हूँ बच्चों के लिए रोटी, और ठंड ज़्यादा हो रही है इसलिए मैंने ये मोटा वाला शॉल ओढ़ रखा है। आज सुबह से मैंने यही वाला शॉल ओढ़ रखा है, ये थोड़ा ज़्यादा गर्म है इस वजह से, सर्दी इससे गर्म ही है। इसको ओढ़ लेती हूँ तो टोपा पहनने की ज़रूरत भी नहीं लगती। और अब मैं बना लेती हूँ बच्चों के लिए रोटी, फिर बच्चों को दे देती हूँ खाना। इतने बच्चे कर रहे हैं अपनी बुआ से बात, और पूछ रहे हैं अपनी बुआ से कि बुआ कब आओगी। बुआ ने इनकी बोल रखा है कि मैं 30 तारीख को आऊँगी, न्यू ईयर यहीं मनाएंगे। और इसकी बुआ ज़्यादा दूर रहती है तो साल में 1-2 बार ही आ पाती है। और जम्मू में ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बर्फ़ गिर रही है वहाँ पे, तो बता रही है कि यहाँ ज़्यादा ठंड हो रही है जम्मू में। अब आएगी इसकी बुआ 30 तारीख को, बच्चे वही पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं अपनी बुआ से। दोनों बैठे हैं अपनी बुआ को वीडियो कॉल कर रहे हैं। तो चलिए अब अपने काम में लग जाती हूँ मैं, रोटी डाल लेती हूँ बच्चों के लिए, फिर मिलती हूँ आपसे। बच्चे खा रहे हैं खाना, और चाय है और पराठे हैं, पराठे और ले ले बाबू, चाय हैगी और मिलने भी लिया। अभी ले आऊंगी, पहले ये वाली तो पियो, गरम करता है। ठीक है, चाय है, पराठा है और अंडे की भुजिया है। कैसी बनी अंडे की भुजिया? बहुत टेस्टी, टेस्टी बनी है ना। हाँ चटनी वाली तो टेस्टी बनती है, है ना। और चाय भी पी रहे, ठंड ज़्यादा हो रही है इसलिए बच्चों ने चाय भी बनवा ली है कि चाय भी बना दो पराठे के साथ। और शहरी खाने खा रही है, अभी इसके पापा ने नहीं खाया, अभी इसके पापा को भी खाना दूंगी। चाय और ला के दूँ? अभी और ला के देते हैं, चलो खाओ खाना। पापा खा रहे खाना, मैंने और गुड्डू भैया ने तो खा लिया था। मम्मा कैसा बना? मैंने ही बनाया। अरे चाय चाय कैसी बनी? चाय कैसी बनी? खाना कैसा बना? कैसे बनाया खाना? मैंने तो बहुत अच्छा खाना बनाया। तुझे कैसा लगा तू ये बता ना, मुझे तो अच्छा लगा। अपना खाना सबको अच्छा ही लगता है, तेरे को नहीं अच्छा लगता मेरा हाथ का खाना? अच्छा। और हम खा रहे हैं खाना, इसके पापा खा रहे हैं, ये बैठे खाना खा रहे हैं, और शहरी और गुड्डू ने खाना खा लिया, बहुत अच्छा बनाया। और हमने बना रखी है गोभी, अंडे की भुजिया, रोटी है, पराठे भी हैं, और गुड्डू खाना खा के गया अपनी ताई के यहाँ। मैं भी जा रही हूँ, हम खेलेंगे तो रोज भाग वाला खेलते हैं क्या। अब ये अपना खाना पचाएंगे, खेलेंगे थोड़ी देर, फिर आके लेटेंगे। बड़ी मम्मी इसकी लेट गई है ना बड़ी मम्मी? हाँ, जल्दी आपको बुआ के यहाँ पे जाएंगे, उधर का भी ब्लॉग मिलेगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।